ऑल राइट, सो रोहतांग के थोड़ा सा पास ही है, 5-6 किलोमीटर पास, और यहाँ से भाई बहुत जाम शुरू हो गया, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। और आपको व्यू दिखाते हैं अभी थोड़ा सा बाहर का। पैक्ड पड़ा है, पूरा पैक्ड है। नज़ारे अच्छे हैं, व्यू बहुत अच्छे हैं। ऊपर आगे रोड हो गया, तबीयत खराब होगी। पोल्यूशन हाँ एक चीज है भाई, यहाँ गाड़ियाँ तो लगी हुई हैं सारी, और मैं अब और गाड़ियों में पोल्यूशन ही पोल्यूशन पूरा, मतलब अरे गाड़ी मतलब बाहर निकलोगे ना तो एकदम से ऐसा फ्यूम्स आती है पोल्यूशन की, और बहुत अजीब सा लग रहा है। तो हम तो गाड़ी में बैठे हैं एयर प्योरीफायर चला के। भाई जाम लग गया भाई, बहुत ज़्यादा लग गया भाई। हमने तो ले लिया है मोड, हम नहीं पहुंच पाए रोहतांग पर, बहुत ही ज़्यादा जाम है यार, मतलब हिल भी नहीं रही हैं गाड़ियाँ, ऊपर से साइडों में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बर्फ़ है, बर्फ़ की वजह से फंसी भी हुई हैं कुछ गाड़ियाँ, मतलब बहुत दिक्कत हुई। तो फिर हमने तो मोड़ ली अपनी गाड़ी, अब हम जा रहे हैं वापस। ऑल राइट, सो गाइस पहुँच चुके हैं वापस से अपना मनाली, रोहतांग से उतर गए। एक तदी की हो गई है तबीयत ख़राब, इनको दिख रहा है बेड, तो मेरे को बेड दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और मतलब काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन था ऊपर, इसके वजह से थोड़ा सा अनइजी सा फील हो रहा है, वॉमिट करने का मन कर रहा है बट नहीं हो पा रही। तो अभी बस जल्दी से होटल पहुँच रहे हैं ताकि एक तदी रेस्ट कर लें, और हम भी सब रेस्ट फ्रेश व्रेश होके फिर उसके बाद माल रोड पर जाएँगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे। हंसी देख रहे हो, हंसी देख रहे हो, खुशी इतनी खुशी भाई। मैं अभी कुछ टाइम पहले, बस 2-3 मिनट पहले फूफा जी से बात कर रहा था कि फूफा जी यहाँ मिलता है जाम बहुत जबरदस्त, और फूफा जी ये कह रहे थे, मतलब फिर हमारी डिस्कशन थोड़ी लंबी चली, बट बस 2 मिनट के बाद ये हाल हो गया यहाँ पे। यहाँ से निकलेगा, आई शो यू गाइस। पूरा जा आगे तक मनाली तक भाई, अब एक तरह की तबीयत खराब थी तो अब कम कर लिया जी। आपको केमिस्ट शॉप पे सेरेडॉन का एक पत्ता दे दो, और एक वॉमिट आने का मन हो रहा है तो उसके लिए कुछ दवाई लेते हैं, चलते हैं घूमते हैं। Whenever you come to Manali, Manali never disappoints you in terms of crowd. Just have a look. Hello. Never. भाई देखो, इट्स अ रिचुअल कि कभी भी मनाली आना है
यहाँ जरूर आना भैया जी, एक पाव पैक कर दो। ये रिचुअल है हमारा, मतलब कभी भी आना है तो यहाँ जरूर आना। आपकी बार तो लेट हो गया, हर बार तो पहले दिन तो ध्यान ही नहीं रहा, मतलब रात को लेट आए थे। एक पाव बाकी, आज खाएंगे जलेबी। तो मनाली में घूमते घूमते हमें एक जगह दिखी, लोकल हैंडीक्राफ्ट मार्केट। तो इसको देखते हैं क्या जगह है, कैसी जगह है। मनाली का ये भी ठीक है, बहुत ठंड है यार। कल जितनी नहीं है भाई, हाँ कल तो मेरे को लग रहा था हमने कपड़े नहीं पहन रखे थे भाई, कल हमने कपड़े नहीं पहन रखे थे, मेन बात वो है। कलर कौन सा अच्छा लग रहा है कुछ बताओ। कौन सा कलर चाहिए भाई, समझ तो आने का, तो देख रहे हैं सारे सेम सेम से लग रहे हैं मेरे को, लग रहा है थोड़ा बहुत डिजाइन में फर्क है, थोड़ा बहुत नहीं डिजाइन में फर्क होता है, कलर में फर्क। कुछ अच्छा दिखाओ जो लगे मनाली से लेके गए हैं। ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल है, ये दोनों, ये ज़्यादा बेटर कलर है, डार्क कलर अच्छा लगता है। अरे वहाँ भी टंगे हुए हैं वो क्या है, वो भी चुभ रहा है यार, पकड़ पकड़ बंदे को सीन पे पूरे 100 बस 100 रुपये का ले रहे हैं। ठीक है बंद हो गया, 50 का फिक्स है ये तो, क्योंकि मास्क में हमारे पास इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होता है, देखो ना हमारा तो वही है, इसमें एक 10 रुपए बचने हमारे। आंटी हां हां 33 रुपए नहीं इसमें नहीं होगा, देखो तो सही, मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं नहीं इसमें आप गूगल पे कर दो, पैसे तो मैं मांगी एक यूट्यूबर की जेब में 35 रुपए खर्च हो गए मेरे, शट अप, और मेरा वॉलेट बाहर आ गया। देखो ऐसा है, कभी खाने आओ बाहर और कंफ्यूजन ना हो। ये देखो सर पकड़ के बैठ गए, क्या खाना है, बटर चिकन। हाँ मतलब मैं ऑर्डर करवा दूँगा, करो ऑर्डर, खाना है करना है जाना, अरे कर वेज होगा आ जाओ यहाँ। एग्जाम देने बैठे हो गए, ये बताओ। अरे यार मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, देखो शाही पनीर इसका फिक्स है, ये कभी आएगा कहीं भी बैठेगा सिर्फ दो चीजें लेगा, नान एंड शाही पनीर, बस दैट्स इट। सुबह दोपहर शाम आज के लिए कोई नई चीज ऐड हो गई है, दैट इज मलाई चाप। मलाई चाप खाने वाले सही बनेंगे क्या, सिंपल लिखाओ ठीक है। मैं बताऊं ऑर्डर क्या होने वाला है, अभी बता देता हूं, आखिरी में वही आएगा, दाल फ्राई, एक शाही पनीर और रोटियां। कोई बात नहीं है, नान भी आ सकती है, नान भी मतलब रोटी इन द सेंस ब्रेड, ठीक है, और रायता वायता थोड़ा बहुत आएगा तो आएगा, रायता नहीं खा पाएंगे ना अभी सर्दी है। आलू पालक मंगा के आज मंगा लो, सुन के बेहोश हो जाएगा तू, तुमने बेटर भी सारे मंगा लिया खा लेगा। खाना खाते हैं, रूम पे जाते हैं और सो जाते हैं, थक गए यार आज फिर से बहुत ज़्यादा, कल सुबह काफ़ी ज़्यादा लंबी ड्राइव है, चंडीगढ़ तक जाना है, उससे पहले मनाली भी घूमना है, सो एनर्जी लेते हैं और सोते हैं, शॉपिंग करनी है इन्हें। मेरा साइज कौन सा है, गुदड़ पसंद आ रहा है, गुदड़ और कितने का है, ले ले गुदड़ डबल एक्सल मिल जाएगा, नहीं भाई साहब ठंड रोकता हूँ खुद ही, तो ठंडे भाई ये तो रोक देगा गुदड़ है भाई,
इतना मोटा ये तो अंदर से ऐसे वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन हो गया, आग लग गई और गर्म हो गया। इसके पीछे केमिस्ट्री है, स्टूडेंट वो होती है इसकी साउंड ना, पॉजिटिव एनर्जी एंड ये इतना प्रॉपर नहीं है बट इससे अच्छा आता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, मटीरियल अच्छा है। बाइक हो यार ये ले, चाबी पता नहीं कौन सी है, अबे 102 है यार देख, ये रही 102, ये लगाई मैंने, एक देख ये देख, ऊपर भी देख, ऊपर भी देख, एक तो दो सामने भाई यहाँ ना लिखा नहीं है तो उन्होंने बताया था आपका 101 है, ऐसे बोला था मुझे। मैं 102 लगा तू इसमें, मैं मान 102 से 102 लगा भाई खोल, अबे रुक जा टाइम लगता है भाई, दूसरी चाबी से फसल कर कर, दूसरी चाबी से खोलने में टाइम लगता है। लगा दी 101 साले, जब ऊपर 101 लिखा है, मैंने देखा नहीं, ऊपर 101 लिखा है, कह रहा भाई रूम तो 102 ही है, रूम नंबर तो 102 ही है। ओ भाई अभी काफी थक गए, माल रोड घूम लिए, सब कर लिया, खाना खा लिया, और दाल कितनी बढ़िया थी, दाल एक नंबर। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और कल निकलेंगे यहाँ से, शायद एक दो जगह जाना है, फिर उसके बाद चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे, बिकॉज गुड़गांव में भी दो तीन काम है जो भी पेंडिंग पड़े हैं जो भी पूरे करने हैं। और अगर पसंद आए ये ब्लॉग तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड। बाकी लव यू ऑल, बाय।